दोस्तों ये बात आप लोग जानते ही हो कि इन दिनों बॉलीवुड के रोमांस के असली बादशाह यानी कि भैया एक्शन के उभरते हुए असली किंग शाहरुख खान अपनी आने वाली अगली फिल्म किंग को लेकर काफी चर्चाओं में हैं, जो कि भाई अब अगले साल फ्लोर पर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यानी भैया इस फिल्म का प्री प्रोडक्शन का काम जो है वो बहुत ही तेज गति से कंप्लीट किया जा रहा है, और इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि ये फिल्म 2026 में भी सिनेमा घरों में रिलीज नहीं होगी। इस फिल्म को देखने के लिए आप लोगों को 2027 का इंतजार करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस फिल्म को लेकर ये सारी जानकारियां तो हम लोगों के सामने आ रही थी, लेकिन इस फिल्म से जुड़ा हुआ कोई बड़ा अपडेट किस दिन किंग खान के दीवानों को देखने को मिल सकता है, इसको लेकर बहुत बड़ी अपडेट हम लोगों के सामने आ चुकी है। दोस्तों किंग को लेकर यह जानकारी तो आप लोगों को हम लोगों ने दी है कि भैया इस फिल्म का शूटिंग जो है वो 2025 के शुरुआत में शुरू किया जाएगा, क्योंकि भैया इस फिल्म की शूटिंग जिस लोकेशन पर की जाने वाली है वहां के लिए इस फिल्म की टीम जो है वो उस मौसम में मूव करेगी जब वहां का क्लाइमेट इस फिल्म के पहले शेड्यूल के अकॉर्डिंग होगा। यानी कि भैया इस फिल्म का पहला शेड्यूल जो है वो होने वाला है बुगापोस्ट में, जहां पर इस फिल्म की टीम जो है वो जनवरी के महीने में जाएगी एक खास मौसम के दौरान। और भैया इस फिल्म के लिए इस फिल्म की पूरी यूनिट तैयार हो रही है, खास तौर पर शाहरुख खान और भैया उनकी बेटी सुहाना खान को लेकर यह जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि इस फिल्म के पहले शेड्यूल में ही बहुत जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग वहां होने वाली है, जिसके लेकर भैया शाहरुख खान और सुहाना खान जो हैं वो एक्शन टीम के साथ मिलकर भाई एक्शन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये सारी जानकारियां तो हम लोग के सामने आ रही थी, लेकिन इस फिल्म का पहला लुक, इस फिल्म से जुड़ा हुआ पहला बड़ा अपडेट कब आएगा उसको लेकर कोई बड़ी अपडेट हम लोगों के सामने नहीं आ रही थी। लेकिन अब इस फिल्म को लेकर यह जानकारी हम लोग के सामने आ गई है कि भैया इस फिल्म का सबसे बड़ा अपडेट आप लोगों को किंग खान के जन्मदिन के शुभ अवसर पर देखने को मिल जाएगा। यानी भैया 2 नवंबर को इस फिल्म का घोषणा बहुत ही बड़े इवेंट के माध्यम से किया जाएगा, ऐसी खबर निकल के आ रही है बॉलीवुड के गलियारों से। यानी भैया 2 नवंबर को आप इस फिल्म से जुड़े हुए कई सारे अपडेट देख पाओगे, सुन पाओगे, और इससे आपको ये जानकारी मिल पाएगी कि भैया इस फिल्म में किस तरह से शाहरुख खान पापा के किरदार में और बेटी सुहाना बेटी के किरदार में अपने इस फिल्म को टॉप से ऑप लेवल ले जाएंगे। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि आपको शाहरुख खान की आने वाली इस फिल्म यानी कि किंग का कितनी बेताबी से इंतजार है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वर्ण जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।